हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील। हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, कक्षा 11वीं के हमारे द्वितीय अध्याय परमाणु संरचना में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर अभी तक उनके बारे में जानकारी ली हुई है ना बच्चों। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको अणु परमाणु और आयनों की संरचना के संदर्भ में जानकारी दी। मैंने आपको अबव का नियम बताया, हुंड का नियम बताया। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 11th क्लास की दृष्टि से। तो इन सारे प्रश्नों को आपको बहुत ही ज्यादा क्या करना है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना है और बार बार आपको इनको पढ़ना है, ताकि ये जो आने वाली भविष्य की कक्षाएं होंगी आपकी, है ना, आप 12वीं में जाओगे और आगे की कक्षाओं में जाओगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये टॉपिक आपके। तो बच्चों उसी कड़ी में आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने लिया हुआ है आपके सामने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। बच्चों मैं ये बताने वाला हूँ कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा इसको और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों ऑर्बिटल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आप निकालना चाहते हो बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास बच्चों एक सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 × 2l + 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू है बच्चों वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, 4l + 2 के रूप में हो जाएगी। इस महत्वपूर्ण सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कर सकते हैं। बच्चों ये सारे 11th क्लास के न्यूमेरिकल प्रश्न में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और इन्हीं छोटे छोटे से प्रश्नों में जो बच्चे हैं 11th क्लास के, ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए इन प्रश्नों को ही मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने एलिब्रेट कर रहा हूँ, बार बार इन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सामने हूँ, क्योंकि इन्हीं यही हमारे कॉम्पिटिटिव का एक बेस है, इसलिए इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना। तो बच्चों मैंने लिया हुआ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फार्मूला बताया मैंने आपको 2 × 2l + 1, इसको सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आ गई 4l + 2। बच्चों यहाँ पर एक आप वैल्यू देख रहे हो जो कि आप बोलोगे सर अब ये एल क्या है, तो बच्चों इस एल से बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो एल है बच्चों, तो ये एल रिप्रेजेंट करता है दिगमशी क्वांटम संख्या, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी आपको क्वांटम संख्याएं मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, तो ये समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं कुछ आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपने एन का मान 1 लिया था तो उसके लिए आपको एल का मान 0 मिला था, 0 इंडिकेट करता था आपको एस ऑर्बिटल को। इसी तरह से बच्चों जब आपने एन का मान 2 लिया था तो आपको L के 2 संभावित मान मिले थे, आपको एक मिला था 1 और दूसरा उससे पहले मैंने बोला था 0 इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पे बच्चों हमको 2 ऑर्बिटल मिल रहे थे, S और P मिल रहे थे, है ना, S और P ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बताया जो 0 है वो S को इंडिकेट करेगा, जो 1 है वो P को इंडिकेट करेगा, यानी अल्टीमेटली आपको L की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। इसी प्रकार बच्चों जब आप N की वैल्यू 3 ले लोगे तो आपको L के 3 संभावित मान मिलेंगे, आपको 2 मिलेगा, इससे पहले 1 मिलेगा, इससे पहले 0 मिलेगा। यहाँ पे ऑर्बिटल भी आपको 3 मिलेंगे, एक एस मिलेगा, एक पी मिलेगा और एक आपको डी मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों 0 इंडिकेट करेगा एस को, 1 इंडिकेट करेगा पी को और 2 इंडिकेट करेगा डी। इसी क्रम में बच्चों जब आप एन की वैल्यू 4 ले लेंगे तो एल की वैल्यू आपको 0, 1, 2 और 3 मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, एस पी डी, और साथ में हमको मिल जाएगा बच्चों एफ। फाइनली जो 0 है वो S को इंडिकेट करेगा, 1 P को इंडिकेट करेगा, 2 D को इंडिकेट करेगा, जो 3 है बच्चों वो F को इंडिकेट करेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अगर बात समझ में आ जाती है तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, हमारे पास 4 महत्वपूर्ण ऑर्बिटल थे, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए, मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो बच्चों तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो मैं उदाहरण के तौर पर सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ।
मुझे जानना है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो बच्चों उनको एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है, ये हमारा अभी प्रश्न आया है। अब हम चलेंगे अपने इस प्रश्न को समझने की ओर। हम ध्यान देंगे कि हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों हम जल्दी से, ठीक है। तो हमारा प्रश्न आपके पास था, उसका जो हल है उसका सॉल्यूशन देखिएगा और ध्यान दीजिएगा बच्चों। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैं लिख देता हूं एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2 × 2l + 1। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, इसको सॉल्व किया है और वैल्यू हो गई है 4l + 2। हम यहां पर मानेंगे, माना l बराबर 0 लेने पर। अब आप पूछोगे सर 0 क्यों लेना है, क्योंकि हमको s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है ना। तो s ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि l की वैल्यू हम 0 प्रयोग में लाते हैं बच्चों। तो यहां पर फार्मूले में जब आप 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 0 + 2, ठीक है। जब आप 4 से 0 का गुणा करेंगे, शून्य का गुणा कर देंगे, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 2, फाइनली आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो बच्चों एस ऑर्बिटल जो है हमारा, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है आपको, आपको 2 प्राप्त हो रही है ना। अब एस ऑर्बिटल में 2 जबकि आपको संख्या प्राप्त हुई, तो उस 2 को आप एस के ऊपर पावर के रूप में लिख कर रिप्रेजेंट करिए, एस की पावर 2। और इसके लिए आप एक खंड बनाइए, ठीक है। क्यों बनाएंगे वो भी रीजन दिया था क्वांटम संख्या में। उसके नीचे 0 लिखिए और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कुंड के नियम से संदर्भित कर दीजिए, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों इस तरह से हम एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। आगे चलेंगे बच्चों, और भी ऑर्बिटल्स हैं तो उनके लिए भी हम अपनी जो गणना है उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो बच्चों अगला जो ऑर्बिटल आपके सामने आने वाला है वो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फाइनली बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4l + 2, ठीक है। पी ऑर्बिटल चाहिए तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना p = 1, p के लिए वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। p इक्वल नहीं लेना है, 1 l के इक्वल लेना है वैल्यू। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ बच्चों। l = 1 हमको वैल्यू मान के चलनी है, संदर्भ करके चलना है, ठीक है। l = 1 रीजन ब्रैकेट में दे देना है, क्योंकि हम पी ऑर्बिटल में गणना कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल के लिए गणना कर रहे हैं, ठीक। चलो तो हम ऊपर वाली फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे बच्चे, तो 4 × 1 + 2, फाइनली बच्चों इसका गुणा हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 4 + 2, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 6। तो फाइनली हमको पता चल गया कि जो पी ऑर्बिटल होगा, तो बच्चों पी ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। पी ऑर्बिटल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनको हम पी की पावर 6 रिटर्न करके दिखाएंगे, और इसके लिए हम 3 कक्षक बनाएंगे, ठीक है। 3 कक्षक बनाएंगे बच्चे इस तरह से, और पहले बीच वाले में लिखेंगे 0, राइट लेफ्ट वाले में -1, राइट वाले में +1। और बच्चे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो हुंड के नियम से पहले प्रत्येक कक्ष में आप एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, उसके बाद आप एक एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर देंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो बच्चों इस तरह से मैंने पी ऑर्बिटल तक आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना सिखा दी है। इसमें डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आपके लिए हैं, तो प्लीज़ उनकी गणना आप करने की प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, सीखिएगा, और होप सो आपसे वो बनेगा और आप उनको बहुत अच्छे से करेंगे और नोट्स बनाएंगे।
बच्चों हम बहुत जल्द अपने अगले अध्याय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।